आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। चौरी चौरा में 4 दिवसीय फाल्गुन महोत्सव के दौरान निकाली गई खाटू श्याम की भव्य शोभा यात्रा। आजमगढ़ जनपद के जीएनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, असलहों समेत 2 गिरफ्तार। गोरखपुर जनपद के विभिन्न विद्युत उपकेंद्रों पर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। गोरखपुर जनपद का एक गांव ऐसा भी जहां मारपीट तक का एक भी एप्लीकेशन नहीं पहुंचा थाने। बस्ती जनपद में इलाज के बहाने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला तांत्रिक गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में नगर पंचायत मुंडेरा बाजार से भोपा बाजार मुख्य कस्बे तक खाटू श्याम की निशान पद यात्रा निकाली गई। फाल्गुन महोत्सव का आयोजन चौरी चौरा में दशकों से हो रहा है। बुधवार को यहां खाटू श्याम की भव्य झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पिछले 3 दशक से अधिक समय से नगर पंचायत मुंडेरा बाजार में श्याम परिवार के नेतृत्व में हाथी, घोड़ा, ऊंट को सजाकर कई किलोमीटर की खाटू श्याम की पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बालिकाएं और नन्हे कलाकारों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कई दरोगा व पुलिस के जवान यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगाए गए थे। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति में पंकज लाठ, अतुल अग्रवाल, बबल लाठ, विनोद लाठ, अजय लाठ, मनीष सिंघानिया, जेपी गुप्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि खाटू श्याम की झांकी के दौरान होली से पहले फाल्गुन महोत्सव का आयोजन पिछले कई दशकों से हो रहा है, 30 वर्षों से हो रहा है और हर साल होली से पहले एकादशी पर या बाबा का महोत्सव हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और बाबा की निशानी यात्रा निकाली जाती है। बाबा का मंगल पाठ होता है, महाप्रसाद होता है, 56 भोग लगता है बाबा का और विभिन्न तरह के कार्यक्रम पूरे यात्रा टोटल थी और हाथी, घोड़े, ऊंट, बग्घी और बाबा की झांकी, ये सारी चीजें निकाली। आजमगढ़ स्थित जीएमपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मेघई गांव के पास अवैध असलहा लेकर घूम रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर 2 असलहाधारी युवक क्षेत्र के मेघई गांव की ओर से पैदल आ रहे हैं, जिन्हें सटीक सूचना मिलने पर जीएनपुर कोतवाली प्रभारी हेमेंद्र सिंह ने मंगलवार की शाम अजमतगढ़ तिराहे पर धर दबोचा। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से 12 बोर के 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए। पकड़े गए आरोपियों में सत्यम सिंह उर्फ गोलू पुत्र जनार्दन सिंह निवासी स्थानीय ग्राम रामपुर तथा दीनबंधु सिंह उर्फ पथरू पुत्र गौकरण सिंह निवासी ग्राम नैठी थाना क्षेत्र मुबारकपुर के निवासी बताए गए हैं। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री द्वारा अजान के दौरान लाउडस्पीकर पर तेज आवाज पर प्रतिबंध का मसला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इसी बीच मुस्लिम महिलाओं के नकाब पहनने पर प्रतिबंध की बात किए जाने से राजनीतिक गलियारे में मानो भूकंप आ गया है। मंत्री ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय में मुस्लिम महिलाओं को नकाब पहनाना एक अमानवीय व्यवहार है। जिस तरह से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी तरह से आगे आने वाले समय में भारत में नकाब भी समाप्त होनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों में नकाब पर प्रतिबंध है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी जो बहावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। गोरखपुर जनपद के बख्शीपुर विद्युत उपकेंद्र सहित अन्य केंद्रों पर तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि पूरे जनपद में तकनीकी संवर्ग के 300 कर्मचारी बीते फरवरी माह से आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में बख्शीपुर उपकेंद्र के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर अपने विभागीय कार्यों को शांतिपूर्वक निपटाया। आंदोलनरत कर्मचारियों की मांग है कि शासन द्वारा उनके वेतन विसंगतियों के साथ साथ बिना परीक्षा के पदोन्नति सहित उनकी 12 सूत्री मांगों पर विचार किया जाए। मीडिया से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
ये संगठन का राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी का कुछ मुद्दे थे जो करीब एक साल से प्रबंधन के सामने पत्र द्वारा हम रख रहे थे, लेकिन वो बातों को नहीं सुन रहे थे। मेरा यह 7वां चरण है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 5 फरवरी से हम लोग आंदोलित हैं। इसी बीच में सरकार द्वारा OTS लाया गया जो जनता का नलकूप और LMB1 जो घरेलू हैं उनको सुविधा देने के लिए। तो जो मेरा आंदोलन था कार्य बहिष्कार था, उन्होंने परिवर्तन करके हमने काली पट्टी बांध के एक जनता के सेवा के रूप में और विभाग का जो नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए हमने एक काली पट्टी बांध के काम करना चालू किया है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम जनता के साथ लाभान्वित कर सकें। गोरखपुर जिले का चौरी चौरा तहसील स्थित करमहा गांव इस समय चर्चा में आ गया है। 1200 आबादी वाले इस गांव में सरकार की लगभग सभी मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी बात, इस गांव के प्रधान धीरेंद्र सिंह धीरू के सामाजिक सद्भाव वाले व्यवहार के कारण इस गांव में पिछले कई वर्षों से कोई भी आपराधिक मामला चौरी चौरा थाने में दर्ज ही नहीं हुआ है। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र के सरदार नगर ब्लॉक में स्थित करमहा गांव गोरखपुर देवरिया मार्ग के उत्तरी किनारे पर बसा है। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय, बारात घर, सैकड़ों लोगों को आवास, शौचालय, स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ गांव में एक डिग्री कॉलेज भी मौजूद है। आंगनबाड़ी सेंटर, सड़कों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था, सैकड़ों लोगों को शौचालय और आवास भी दिया गया है। करमहा गांव के रहने वाले रवि यादव ने बताया है कि हमारे गांव में विकास की सभी सुविधाएं मौजूद हैं, हम बहुत खुश हैं, सरकार की सभी मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं। करमहा गांव के रहने वाले फरीदन का कहना है कि हमारे गांव में बिजली लगी है, इंटरलॉकिंग हुआ है, सोलर लाइट के लिए बात चल रही है। गाँव में क्या ना सारी सुविधाएं हुई, जैसे स्कूल विद्यालय जो पहले से इतना खराब था वो सही हो गया, सरकारी ट्यूबवेल लग गया जिसमें फ्री सिंचाई होती है, बिजली जो भी जिनका भी कनेक्शन बाकी था सबका कनेक्शन हो गया, और तमाम तरह के नाली खड़ंजे ये सब बहुत से सारे काम हुए हैं। आंगनवाड़ी नहीं था वो भी बना, पंचायत भवन बना गाँव में। हमारे गांव में बिजली लगा है और इंटरलॉकिंग हुआ है और स्कूलों के क्या स्थिति, स्कूलों के भी विकास बढ़िया है। करमहा गांव के निवर्तमान प्रधान धीरेंद्र सिंह ने बताया कि हम चाहते हैं कि सभी सुविधाएं हमारे गांव में हो, उसके लिए सदैव प्रयासशील रहता हूं। हमारे गांव में सब सुविधाएं हैं, पानी की टंकी के लिए कार्य प्रगति पर है, हमारे गांव की आबादी मात्र 1200 ही है, हमारे गांव में बने विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र को जिले के अधिकारियों ने भी सराहना की है। सबसे बड़ी बात, मेरे गांव का कोई भी मामला थाना चौरी चौरा नहीं जा पाता है, मेरे कार्यालय पर ही सुलझ जाता है। जैसे मेरा स्कूल DM साहब हमको इनाम दिए थे अच्छे स्कूल में, उसी तरह मेरा हॉस्पिटल भी CMO साहब एक नंबर पे किए हैं, केवल एक कमी है रैन बसेरा नहीं है, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। पूरा गांव मेरा उजाला है और सबसे बड़ी 5 साल में मेरा गांव का कोई झगड़ा केस थाने तहसील नहीं गया, न मेरे खिलाफ कोई गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर, आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए, देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड फिनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा LED पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्ट विनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
कोई पत्थर से ना मारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। गोरखपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 39 स्थित जटेपुर दक्षिणी में बहने वाले नाले की साफ सफाई और उसे ढकने को लेकर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला से मिलकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन नाले खुले होने की वजह से कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं और विगत वर्ष नाले में गिरकर 3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने बताया कि उन्हें नगर निगम से यह आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द नाले को ढकवा दिया जाएगा। आज हम लोग वार्ड नंबर 39 में जो डॉन बॉस्को जो नाला बहता है उसको लेकर के हम लोग आए थे। वो बहुत ही गहरा नाला है और बहुत ही गंदा नाला है और विगत वर्षों में उसमें गिर करके 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो उसको लेकर के हम लोग आए थे कि शीघ्र अतिशीघ्र उसकी साफ़ सफाई कर दी जाए जिससे कि इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी जो कि गोरखपुर में इतनी है उसके प्रकोप से बचा जा सके और उसमें गिर करके जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं आने वाले समय में लोग अपनी जान ना गंवाएं, इसको लेकर के हम लोग चाहते हैं कि उस नाले को ढक दिया जाए जिसमें नाले में कोई आगे से गिरे ना उसमें। बस्ती जिले में अंधविश्वास का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। ग्रामीणों में अंधविश्वास इस कदर व्याप्त है कि किसी प्रकार की बीमारी होती है तो लोग डॉक्टर के पास ना जाकर तांत्रिक के पास झाड़ फूंक के लिए जाते हैं। अंधविश्वास इस कदर व्याप्त है कि उन्हें डॉक्टर से ज्यादा झाड़ फूंक पर विश्वास रहता है। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां झाड़ फूंक कराने गई एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को एक तांत्रिक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। मामला जिले के गौर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव की है जहां मानसिक रूप से बीमार किशोरी अपनी मां के साथ दूसरे गांव एक तांत्रिक के पास पहुंची, जहां तांत्रिक द्वारा झाड़ फूंक के नाम पर 2 दिन तक एक बंद कमरे में इलाज की बात कही। तांत्रिक ने मौका मिलते ही किशोरी को नशीला पदार्थ खिला दिया और तांत्रिक ने 2 दिन तक उसके साथ मनमानी की। 2 दिन बीत जाने के बाद भी किशोरी की माँ उससे मिलने गई तो देखा कि वो खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी है। माँ और किशोरी की भाभी घबरा उठी। इसकी सूचना बभनान पुलिस चौकी को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को सीएससी गौर पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ हरैया और थाना प्रभारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया और आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। चौकी पर हम गए, दरोगा साहब से सारी बात वो हमारी ननद बताई तो दरोगा साहब ने कार्रवाई की। इसके बाद वो वहाँ पे हमारी ननद और सास थाने पर है, बाकी क्या हो रहा हम नहीं जान रहे। हमारे गांव में लोग धमकी दे रहे हैं कि तुमने जो है उसको जबरदस्ती लेकर गई हो, उसको सिखाया पढ़ाया है, हम तुम्हें परेशान करेंगे, मारेंगे, घर में रहने की धमकी दे रहे कि घर में नहीं रहने देंगे। घटना के बाबत सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि आरोपी तांत्रिक के खिलाफ पास्को एक्ट सहित 328 और 376 में मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। थाना गौर अंतर्गत एक 15 वर्षीय बच्ची जो कि अपनी माँ के साथ एक पड़ोस के गांव में गई थी, जहां पर पीड़िता का आरोप है कि रात में उसे नशीली वस्तु खिलाकर उसी गांव के एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है, जिसके संबंध में थाना गौर पर मुकदमा अंतर्गत धारा 328, 376 IPC और 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराकर प्रकरण में अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर जनपद में ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ितों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला जनपद के शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार में देखने को मिला, जहां एक मशरूम व्यापारी गणेश मिश्रा से ऑनलाइन जालसाजों ने जालसाजी कर उनके खाते से 1,36,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल पीड़ित गणेश मिश्रा के फोन पर कॉल करके एक ऑनलाइन ठग अपने आप को सेना का जवान बताते हुए आर्मी कैंटीन के नाम पर 50 किलो मशरूम खरीदे की बात करता है और डील हो जाने के बाद उस जालसाज ने एक लिंक के माध्यम से पीड़ित गणेश मिश्र के खाते से 1,36,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित ने इसकी सूचना फौरन साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की टीम को दी, जिसके बाद हरकत में आई साइबर सेल की टीम ने महज 3 दिन के भीतर जालसाजों से ठगे गए रुपयों में से 1,07,000 रुपए पीड़ित गणेश मिश्रा के खाते में वापस कराने में सफलता प्राप्त की है। वहाँ स्थानीय पुलिस चौकी पादरी बाजार गए तो वहाँ से कहा गया कि आप साइबर थाना जाइएगा तो आपकी मदद मिलेगी। हमने साइबर थाना आया, आने के बाद हम यहाँ अपनी बात बताए और एप्लीकेशन सर लोगों ने हमारी बहुत मदद की है। कितने दिनों में आपका पैसा वापस? सर 16 तारीख को हमारे साथ घटना हुई है और 17 तारीख को हमारे खाते में 87,000 रुपया वापस आ गया। क्या कहना चाहेंगे टीम को? हम टीम को पुलिस को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
कि अगर जो इन लोगों ने हमारी मदद नहीं की होती तो हम गरीब आदमी मर जाते। मीडिया से बात करते हुए एसपी क्राइम डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि आईपी एड्रेस के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम जालसाजों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बरामदगी में हमारे सावर थाने के इंस्पेक्टर सूर्यवान सिंह और उनकी टीम का अहम योगदान रहा है। इनके और लगातार ये खुलासा करते रहे, इस टीम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। आगे भी ये लोग अच्छा काम करेंगे और इसी प्रकार से लोगों के लिए जो है बेहतर करूँगा। सिद्धार्थनगर जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही माँ पर धारदार हथियार से हमला करके घायल कर दिया है। घटना जनपद के सदर थाना क्षेत्र धरौली के छुटकी डीह गाँव की है। तीजा चार बेटों के होने के बावजूद अपने पति की मौत के बाद वृद्धाश्रम में रहती है। तीजा अपनी जमीन को अपने चारों बेटों में वृद्धाश्रम में ही रहते हुए बांट दिया। घर में रामायण का कार्यक्रम था तो तीजा भी वृद्धाश्रम से घर आई थी। तीजा के एक बेटे ने अधिक जमीन खुद को देने की मांग अपनी माँ से की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो धारदार हथियार से मारकर अपनी ही माँ को घायल कर दिया। घायल मां को छोटे बेटे ने इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और वो खतरे से बाहर है। थरौली छोटा डी गांव है, जहां पर ये एक महिला है, बुजुर्ग महिला है। उसके साथ उसका बेटा जो है सीताराम, उसने धारदार हथियार से उसको चोट पहुँचाई है, जिससे उसको अस्पताल में एडमिट हुई थी और वहाँ से उसकी तहरीर पर गंभीर धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और ये जो लड़का है इसकी तलाश में छापेमारी हमारे द्वारा की जा रही है। महिला का उपचार कराया जा रहा है, अभी उसकी स्थिति खतरे से बाहर है और इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि महिला के सगे बेटे ने ही मारा है, इनका कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, बंटवारे में ज़्यादा हिस्सा मांग रहा है लड़का, तो इस पर हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नगर जनपद के धर्म सिंघवा गांव में एक 17 वर्षीय युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की गेहूं के खेत में लाश मिलने से हत्या की आशंका बढ़ गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि किशोरी कल से गायब थी। लड़की के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। गांव से गायब होने के दूसरे दिन जब खेत में ही लड़की का शव देखा तो रोकर सभी परिजनों का बुरा हाल हो गया। नाबालिग लड़की के गले पर कटे के निशान मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस महकमे के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। खेत में मिले नाबालिग लड़की के शव का सुशीला पुत्री रामनाथ के रूप में पहचान हुई। आबकारी विभाग की टीम द्वारा गोरखपुर जनपद के रामगढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरिया, महेवा और कठौर में कच्ची शराब और उस धंधे में लिप्त कारोबारियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 35 लीटर कच्ची शराब और 3000 किलो लहन नष्ट करने के साथ ही इस धंधे में लिप्त 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। मीडिया से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक राकेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि ये कार्रवाई तब तक होती रहेगी जब तक कच्ची शराब का धंधा करने वाले इस धंधे को छोड़ ना दें। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में अवैध शराब के विरुद्ध लगातार प्रवर्तन कार्य किया जा रहा है, उसी के क्रम में आज की कार्रवाई की गई है। थाना रामगढ़ताल क्षेत्र के अंतर्गत फुलवरिया में, महेवा में और कठौर का जो एरिया है मुल्तानी का, वहां पे दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है, 3000 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया है और सुड्डू पत्नी राजकुमार निषाद, दुर्गा देवी पत्नी सुड्डू निषाद और करमचंद पुत्र बलिकरण के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। गोरखपुर जनपद की कैंट पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने जालसाजी कर 15 करोड़ की संपत्ति को मात्र 2 लाख रुपए का दिखाया और 10,000 रुपए में एग्रीमेंट करवाकर एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को ठगने का काम किया है। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले ध्रुव कुमार गुप्ता, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और उनकी 15 करोड़ की संपत्ति जिस पर मकान का निर्माण भी हुआ है, उसे उनके मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर कैंट थाना क्षेत्र के खुर्रमपुर के रहने वाले धंधेबाज अंशवान त्रिपाठी ने फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनवाया। 15 करोड़ की संपत्ति को बैनामी में 2 लाख रुपए बताकर मात्र 10,000 रुपए देकर उस धंधेबाज ने एग्रीमेंट करवा लिया। इस संबंध में पीड़ित ध्रुव कुमार गुप्ता ने गोरखपुर के कैंट थाने में तहरीर दी थी, जिसके तहत बीती 22 मार्च को कैंट थाने में मुकदमा भी पंजीकृत हो चुका है और कैंट पुलिस ने फर्जी तरीके से फर्जी पहचान बनवाकर फर्जी एग्रीमेंट कराने वाले अभियुक्त को कैंट थाना क्षेत्र के नॉर्मल स्कूल के पास से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मीडिया से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद से ही हमारी टीम आरोपी की खोज में लग गई थी।
ये ध्रुव कुमार गुप्ता जी जो कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनका एक बेशकीमती मकान था। एक अंशुमाल राम त्रिपाठी हैं, खुर्रमपुर के हैं। इन्होंने उनकी मानसिक कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए 2 लाख रुपए में एग्रीमेंट करा लिया और 10,000 रुपए दे के मकान में नाम लिखवाने का लिखवा लिया। उसी संदर्भ में ये ध्रुव कुमार गुप्ता जी के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 151/21 धारा 419-20-67-71 थाना कैंट में पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना ध्रुव कुमार गुप्ता जी की बात सही पाई गई। उसी संदर्भ में अंशुमाल राम त्रिपाठी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताजी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।